यूपी के मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की घिनौनी करतूत। सेंटर मैनेजर रक्षदा खान हिंदू युवतियों पर मुस्लिम धर्म अपनाने का बनाती है दबाव। स्टूडेंट्स का आरोप है कि मैडम मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने और शादी करने का दबाव बनाती है। करीना कपूर खान है लैक्मे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। मुरादाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है हमें। हिंदू मुस्लिम में मतलब हिंदू बच्चों को नीचे रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को बहुत ऊपर रखा जाता है। और जितने भी वो होते हैं हमें मतलब बताया जाता है कि मैं एक हिंदू थी और मैंने मुस्लिम से शादी कर ली, और मैंने तो 19 साल की एज में भाग के घर से शादी कर ली थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी मान गई है। इसको कहा गया है कि क्या कहते हैं, तुम भी ऐसा कर सकती हो। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जाता है यहाँ पर हमारा नाम, और हमें प्रेरित किया जाता है कि आप भी यहाँ पर मुस्लिम लड़कों के साथ यहाँ पर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे घर वाले सब मान जाते हैं। और अगर हम उस चीज़ को बोलते हैं इनसे तो हमें बोलती है कि ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी तुम भी। हम नॉनवेज के लिए बोलते हैं मेन, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि नॉनवेज शिक्षा की जगह खाना बंद मतलब अलाउ नहीं है, कि खाना नहीं चाहिए शिक्षक। कौन है जो कहती है? रक्षदा खान। ये पहले हिंदू थी, बाद में वो मुसलमान में कन्वर्टेड हुई है। हाँ, इस चीज़ को लेके अगर हम उन्हें बोलते हैं कि आप मैम नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए शिक्षा की जगह जहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें रोकूंगी बिंदूर सिंदूर और क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहनने से, ये टीका मत लगा के आया करो, कलावा मत पहनो, इन सब चीज़ों को हमें रोका जाता है। जो यहाँ की छात्राएं पीड़ित हैं उनके साथ यहाँ पर जो अकेडमी है लैक्मे अकेडमी, उस अकेडमी का यहाँ पुतला फूका गया है और अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इस लैक्मे अकेडमी के अंदर जो यहाँ की संचालिका है रक्षदा खान, उसके द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि रक्षदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, तो वो उनको अपनी कहानी सुनाती हैं और उनको प्रेरित करती हैं। जो हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं सिंदूर लगा के आती हैं, मंगलसूत्र पहन के आती हैं, उनको सिंदूर लगाने को मना करती हैं, मंगलसूत्र पहनने को मना करती हैं। जो हिंदू छात्र तिलक लगा के आते हैं उनको तिलक लगाने को मना करती हैं। और रक्षदा खान स्वयं मुस्लिम है, और जो मुस्लिम छात्र इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं सीखते हैं वो स्वयं यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। ये किस तरीके की कानूनी है, किस तरीके के नियम है, इस तरीके की हरकतें मुरादाबाद में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SNI न्यूज साथे।